जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या होती है, उन महिलाओं में देखा गया है कि उनमें कैल्शियम की कमी ज़्यादातर पाई जाती है। सफ़ेद पानी की शिकायत ज़्यादातर उन महिलाओं को होती है जिनकी हाइजीन कंडीशन यानी साफ सफाई की सुरक्षा अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, उनकी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, उनके जॉइंट में दर्द बहुत ज़्यादा देखा गया है। साथ में उन महिलाओं को आँखों में जलन, हल्का सा फीवर रहना, बदन का टूटता हुआ सा रहना और ऐसा मानो कि शरीर में जान ही ना हो, इस प्रकार की कमजोरी का महसूस होना उन महिलाओं में पाया जाता है। ज़्यादातर महिला ल्यूकोरिया की शिकायत से बहुत ज़्यादा दुबली पतली होने लगती हैं। शरीर की शक्ति का ह्रास इस रोग में देखा गया है। इस रोग के लक्षणों से आप जान ही गए होंगे कि यह कितना खतरनाक होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आपको बताऊंगा जिनको यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित ही यह रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ल्यूकोरिया को समाप्त करने के लिए नंबर फर्स्ट पर मैं बहुत बेहद कारगर औषधि को रखूंगा। यह औषधि कम यह बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। दोस्तों, आपको आधा कटोरी चावल लेने हैं और उन चावलों को दो गिलास पानी में बॉईल करने रख देना है और जब वो बॉईल हो जाए तो उसका जो पानी बचे उस पानी को महिला को एक केले के साथ सुबह प्रातःकाल खाली पेट सेवन करना है। इस प्रकार महिला सेवन करेगी तो उसका ल्यूकोरिया जड़ से समाप्त हो सकता है। नंबर दो, शीशम के पत्ते, 6 से 7 शीशम के पत्ते आपको लेने हैं। उन्हें अच्छे तरीके से मिश्री के साथ पीस लेना है और इस मिश्रण को उस महिला को ठंडे दूध के साथ सेवन करना है सुबह और शाम दोनों टाइम। इस प्रकार इसका यह उपयोग महिला करेगी तो उसे इस रोग से बहुत जल्दी निवारण मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर मैं एक बेहद कारगर औषधीय चूर्ण का आपको वर्णन बता रहा हूँ जिसको यदि महिला करेगी तो उसका ल्यूकोरिया बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यह चूर्ण है प्रदरनाशक चूर्ण। प्रदरनाशक चूर्ण का यदि महिला 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध से सेवन करती है तो उस महिला का ल्यूकोरिया बहुत जल्दी आसानी से समाप्त हो जाता है और साथ में उसके शरीर में आई हुई समस्याएं भी समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और यदि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो लाइक के बटन को अवश्य दबाएं।